गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर अरुण आप सभी का वेलकम करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो लेकर आप सभी के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे एलन कंपनी के A65 ड्रॉप से रिलेटेड। दोस्तों, आज की वीडियो में यही मैं डिस्कस करूंगा, ये जानकारी आपको दूंगा। दोस्तों, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जो एलन कंपनी का A65 जो ड्रॉप्स हैं दोस्तों, इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है स्पेसिफिकली ब्रोंकाइटिस डिजीज के लिए। दोस्तों, ये ब्रोंकाइटिस डिजीज के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और दोस्तों काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी इसका दुष्परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस मेडिसिन का कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी इसको ले सकता है, इसको एडल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, चिल्ड्रंस भी ले सकते हैं। और दोस्तों, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन है और दोस्तों ये मैं आपको एक एलन कंपनी दोस्तों मेडिसिन है और दोस्तों एलन कंपनी दोस्तों जितने मेडिसिन होते हैं काफ़ी अच्छे इनके रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा इस मेडिसिन को कैसे यूज़ करना है, कैसे इसको लेना है और कितने ड्रॉप्स इसमें आपको यूज़ करने हैं और कितने टाइम दोस्तों ये मेडिसिन यूज़ करनी है, किसके साथ दोस्तों ये मेडिसिन को लेनी है और दोस्तों इसके क्या MRP है, किस MRP में दोस्तों आपको अवेलेबल मिलेगी मेडिसिन और कहाँ से दोस्तों इस मेडिसिन को परचेस कर सकते हैं और इसमें दोस्तों क्या कॉम्पोजिशन डाला गया है, क्या दोस्तों इसके अंदर कॉम्बिनेशन डाला गया है और दोस्तों इस मेडिसिन का यूज़ करने के टाइम क्या आपको इसमें एविस्टेंस रखना है, क्या आपको इसमें परहेज रखना है, क्या आपको इसमें नहीं खाना है, क्या आपको इसमें नहीं लेना है, दोस्तों ये भी आपको जानकारी देंगे। और दोस्तों, आज के टाइम में देखा जाए तो इस मेडिसिन की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो सकती है और दोस्तों आज के टाइम में इस मेडिसिन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कोरोना केसेस कितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन दोस्तों केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, कोरोना बहुत ज़्यादा दोस्तों में आपको इन्फेक्टेड होते जा रहे हैं और दोस्तों आज के टाइम में इस मेडिसिन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो सकती है। और दोस्तों, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, कंप्लीट नॉलेज आपको दूंगा, लिटरली आपको एक्सप्लेन करूंगा। और दोस्तों, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये बात करें एक यूज़फुल मेडिसिन दोस्तों, जिनको इस समस्या देखी जा रही है, दोस्तों जिनको ब्रोंकाइटिस डिजीज जैसे देखी जा रही है। और दोस्तों, इस मेडिसिन के और भी बेनिफिट्स हैं और भी इसके यूजेस हैं और भी डिजीज में इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आप सभी के लिए यूज़फुल वीडियो, यूज़फुल मेडिसिन है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉरवर्ड जरूर करें और दोस्तों अपने फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर अभी चैनल पर नए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दोस्तों ऑल पर जरूर कर लें और थोड़ा सा प्लीज़ हमारे सपोर्ट जरूर करें और इस चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉरवर्ड जरूर करें। और अगर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जो नोटिफिकेशन है दोस्तों आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइस। दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो एलन कंपनी का A65 जो ड्रॉप्स है, इस मेडिसिन का कौन कौन से बीमारी में उपयोग में आप ले सकते हैं और इस मेडिसिन के दोस्तों क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, जो एलन कंपनी का A65 जो ड्रॉप्स है, इसको स्पेशली बनाया गया ब्रोंकाइटिस डिजीज के लिए और दोस्तों ब्रोंकाइटिस डिजीज के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ब्रोंकाइटिस डिजीज क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, दोस्तों पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों, मैं आपको जानकारी देता हूँ। दोस्तों, इसके सिम्टम्स की बात करूँ, आपके दोस्तों जो फेफड़े हैं, अगर उनमें दोस्तों कोई भी इन्फेक्शन जैसा देखा जा रहा है, कोई भी दोस्तों में संक्रमण जैसा लगा हुआ है या दोस्तों उनमें स्वेलिंग जैसा आ जाती है, सूजन जैसे दोस्तों आ रही है या दोस्तों में जो इन्फ्लेमेशन जैसा देखी जा रही है, तो दोस्तों ये ब्रोंकाइटिस डिजीज के सिम्टम्स होते हैं। और दोस्तों, आपकी जो ब्रोंचियल ट्यूब है उसमें दोस्तों अगर कोई इन्फ्लेमेशन जैसा देखी जा रही है या दोस्तों इनमें जो है स्वेलिंग जैसा देखी जा रही है या दोस्तों में कोई इन्फेक्शन जैसा देखा जा रहा है, कोई भी दोस्तों में संक्रमण जैसा लगा हुआ है और साथ ही दोस्तों ड्राई रा कंक्यूजिव कफ जैसे देखी जा रही है या दोस्तों क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ जैसे देखी जा रही है और साथ ही दोस्तों एक एक्सपेक्टोरेशन कंडीशन जैसे देखी जा रही है, कफ दोस्तों बहुत ज़्यादा कठिनाई से निकल रहा है और दोस्तों आपको चेस्ट में जो है एक पेन जैसे बना रहता है, छाती में दर्द से बना रहता है और चेस्ट में एक स्पैस्मोडिक कंडीशन जैसे देखी जा रही है, छाती में जकड़न सी बनी रहती है और साथ ही दोस्तों आपको जो है बहुत ज़्यादा मैं आपको जो छाती में दर्द जैसा देखा जा रहा है और कफ दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी के साथ निकल रहा है, बहुत ज़्यादा कठिनाई से निकलता है और निकलता है दोस्तों बहुत ज़्यादा चिपचिप में निकलता है, गाढ़ा गाढ़ा निकलता है, थिक सा निकलता है और येलो इससे दोस्तों जैसे बात करूँ जो है बलगम निकल रहा है। और दोस्तों साथ ही बहुत ज़्यादा आपको जो है मैं आपको चेस्ट में हैवीनेस जैसे देखी जा रही है और दोस्तों ये जो डिजीज़ है काफ़ी लॉन्ग टाइम से आपके जैसे हो रही है, काफ़ी लंबे समय से आपकी बीमारी जैसे देखी जा रही है। तो दोस्तों इसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और साथ ही दोस्तों आपको जो सांस फूलने लगता है, सांस फूलता है बहुत ज़्यादा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी कह सकते हैं इसको, जैसे कि हाँफने लगते हैं और बहुत ज़्यादा आप दोस्तों आपको जो है घबराहट होने लगती है। और दोस्तों साथ ही मैं आपको जो है जैसे दोस्तों ठंडी चीज़ें खाते हैं तो दोस्तों आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये ब्रोंकाइटिस डिजीज के सिम्टम्स होते हैं
और दोस्तों ये जो मेडिसिन, जैसे आपको जो कई बार ऐसा ऐसा भी होता हुआ कि आपके जो है थ्रोट में दोस्तों एक बर्निंग सेंसेशन जैसे देखी जाती है, गले में दोस्तों एक जो है मैं बात करूँ एक जलन सी बनी रहती होगी, तो दोस्तों कुछ ऐसे सिम्टम्स से आपको देखने को मिलते होंगे। और दोस्तों ये जो मेडिसिन डिस्पोनिया के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, जिसे हम दोस्तों अस्थमा कह सकते हैं, दमा कह सकते हैं, तो दोस्तों उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। और दोस्तों ये जो मेडिसिन है स्पेशली ब्रोंकाइटिस के लिए बनाई गई है और डिस्पेनिया डिजीज के लिए बनाई गई है, तो दोस्तों इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ इस मेडिसिन को कैसे लेना है और कितनी ड्रॉप्स में आपको यूज़ करना है, कितने टाइम यूज़ करना है, किसके साथ लेना है, तो दोस्तों मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों इसमें आपको जो 8 से 10 ड्रॉप आपको यूज़ करना है और 1/4 कप वाटर आपको यूज़ करना है, ल्यूक वर्म वाटर आपको यूज़ करना है। और इसके दोस्तों 3 बार इसको ले सकते हैं, 3 टाइम्स इसको यूज़ करें। इसको दोस्तों मॉर्निंग टाइम यूज़ कर सकते हैं, इवनिंग टाइम में यूज़ कर सकते हैं और आफ्टरनून भी इसको यूज़ कर सकते हैं। खाना खाने से आधे घंटे पहले आपको यूज़ करना है, और दोस्तों इसको खाना खाने से आधे घंटे पहले आपको लेना है, तभी दोस्तों आपको ये मेडिसिन रिजल्ट देगी। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इस मेडिसिन की क्या एम आर पी है, किस एम आर पी दोस्तों आपको अवेलेबल मिलेगी ये मेडिसिन। तो दोस्तों इसकी बात करें एम आर पी की, तो दोस्तों ये आपको मिलेगी 152 की, 192 रुपये के आसपास आपको दोस्तों उपलब्ध मिल जाएगी। आज दोस्तों आपके जो नज़दीकी जो मैं बात करूँ होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से, वहाँ से भी दोस्तों इजीली आप इसको ले सकते हैं, या दोस्तों ऑनलाइन लेने चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन दोस्तों इसकी एलन की जो वेबसाइट है वहाँ से भी ले सकते हैं, या दोस्तों 1MG से भी ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं। ऑफलाइन लेने चाहें तो ऑफलाइन ले सकते हैं, ऑनलाइन लेने चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, वो दोस्तों आप पे डिपेंड करता है कैसा इसको लेना चाहें वैसा इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके अंदर क्या कॉम्पोजिशन डाला गया है, क्या दोस्तों इसके अंदर कॉम्बिनेशन डाले गए हैं। तो दोस्तों इसके अंदर ब्लाटा ओरिएंटालिस है और ब्रायोनिया एल्बा है, ड्रोसेरा रोटेंडी फोलिया है, और इसके अंदर दोस्तों बेलाडोना है और एक्नाइटम नेपिलेसम है, हिपर सल्फर है, सल्फर है और कार्बोवेज है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों साइलेसिया है, और जैसे बात को इसके अंदर ईपी कॉक है, और बहुत से इसके अंदर दोस्तों कॉम्बिनेशन डाले गए हैं। तो दोस्तों ये जो एक मैं बात करी होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन डाले गए हैं और काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसमें आपको जो क्या एविस्टेंस आपको रखना है, क्या आपको इसमें परहेज रखना है, क्या आपको इसमें नहीं खाना है। तो दोस्तों इसमें ठंडी चीज़ें बिल्कुल आपको नहीं खानी है, और दोस्तों इसमें ठंडी से बिल्कुल परहेज आपको रखना है, और दोस्तों गर्म चीज़ें आप खा सकते हैं, और इससे दोस्तों आपको रिलीफ बहुत मैं आपको अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये चीज़ आप फॉलो आपको करनी है। और दोस्तों मैंने इस मेडिसिन की आप सभी कंप्लीट नॉलेज दे दी है, पूरी जानकारी आपको दे दी है और लिटरली मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो दोस्तों ये जो वीडियो आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आप सभी के लिए यूज़फुल वीडियो है, यूज़फुल मेडिसिन है। और दोस्तों अगर आपको ऐसी समस्या देखी जा रही है, अगर आपको दोस्तों ब्रोंकाइटिस डिजीज जैसे देखी जा रही है, दोस्तों आपको जो है डिस्पोनिया डिजीज जैसे देखी जा रही है, ये दोस्तों आपको जो है मैं बात करूँ ड्राई ड्राई कन्फ्यूजिव कफ जैसे देखी जा रही है, या मैं बात करूँ आपको जो एक क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ जैसे देखी जा रही है, कफ दोस्तों बहुत ज़्यादा कठिनाई से निकल रहा है, दम घुटनी प्रवृत्ति बनी रहती है, सांस फूलता है दोस्तों बहुत ज़्यादा आपका, ये दोस्तों आपके गले में बहुत ज़्यादा एक बर्निंग सेंसेशन जैसे देखी जा रही है, तो दोस्तों उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉरवर्ड जरूर करें, और इस वीडियो को दोस्तों अपनी फैमिली में अपने रिलेटिव्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दोस्तों हो सके तो ज़्यादा से शेयर करें, दोस्तों किसी न किसी दोस्तों हो सकता है इससे हेल्प मिल जाए, और दोस्तों किसी का भला हो जाए तो ये चीज़ जरूर करें। और दोस्तों अगर अभी चैनल पर नए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर्स हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दोस्तों ऑल पर जरूर कर लें, और थोड़े से प्लीज़ हमें सपोर्ट जरूर करें और इस चैनल को ज़्यादा शेयर करें, फॉरवर्ड जरूर करें। और अगर मैं अपने इस यूट्यूब चैनल दोस्तों कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी जो नोटिफिकेशन दोस्तों आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। सो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी, स्टे कनेक्ट विद अस। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो आप देखना चाहते हैं हमें कमेंट जरूर करें। सो थैंक गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।